नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आकांक्षी भारत, समावेशी आर्थिक विकास और संरक्षित समाज पर आधारित केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब सरल बनाए गए, 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष आयकर से संबंधित मुकदमों में कमी लाने के लिए विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्धता और मजबूत हुई। देश भर में कॉरपोरेट सेक्टर और आम लोगों ने बजट प्रस्तावों की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के एक दोषी विनय की दया याचिका खारिज की। चीन में कोरोना वायरस से ग्रस्त वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का दूसरा विशेष विमान वुहान पहुंचा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया कैनिन ने गर्बिना मुगुरुजा को हराकर पहले ग्रैंड स्लैम में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि बजट के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला, आकांक्षी भारत, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र पर विशेष ध्यान। दूसरा, सबके लिए आर्थिक विकास। और तीसरा, संरक्षित समाज। केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। बजट घोषणा के अनुसार 5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। Anyone who's earning between 5 to 7.5 lakh today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. For income between 7.5 lakh to 10 lakhs, he or she will pay at the reduced rate of 15% only, against the current prevailing 20%. Similarly, for the income between 10 lakhs to 12.5 lakhs, presently the tax is 30%. That is now being brought down to 20% only. वित्त मंत्री ने बजट में विवाद से समाधान योजना का प्रस्ताव किया है। इससे प्रत्यक्ष करों से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार मजबूत हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा, इसके बाद ढांचागत बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। We are now the 5th largest economy of the world. India's foreign direct investment got elevated to the level of $284 billion during 2014 and 19 from $190 billion that came in during the years 2009 to 14. देश में 100 शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है। The government intends to introduce major reforms in recruitment in garments and public sector banks. It is proposed to set up a national recruitment agency as an independent professional specialist organization for conduct of computer-based online common eligibility tests for recruitment to non-gazetted posts. A test center in every district, particularly in the aspirational districts, would be set up. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, संपन्नता और खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through Kusum and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. We have provided resilience for 6.11 crore farmers insured under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.
सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राथमिकता पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अभिनव और विश्व स्तरीय कार्यों से इस क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि धन लोगों, विशेष रूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में रहे। अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ये भी चाहती है कि आयकर प्रक्रिया सरल हो और कर अनुपालन में बढ़ोतरी हो। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों, युवाओं और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो एग्रीकल्चर में काम करना है, जो एग्रीकल्चर के साथ वाले एलाइड इंडस्ट्रीज में करना, इन सब में युवाओं का रोल भी स्पष्ट तौर पर इस प्लानिंग में है और उनको वो स्किल देने के लिए स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन्हीं के साथ वो स्किल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए क्लियर प्लानिंग स्टेट के साथ ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हो चुका है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में घोषित नए सुधारों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उसकी नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बजट प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप में सशक्त बनाएगा। टेलीविजन पर एक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार क्षेत्रों, कृषि, बुनियादी ढांचा, कपड़ा और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। उन्होंने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्धता और मजबूत हुई है। बजट में जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे। किसान की आय दोगुनी हो इसके प्रयासों के साथ ही 16 एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजट पर उद्योग जगत, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आम लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बजट को काफी अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इकोनॉमी में कुछ सेक्शंस में बूस्ट चाहिए, काफी कुछ जॉयस है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने काफी कुछ रखे हैं। टैक्सेशन जनरली में उन्होंने जो किए हैं लोगों को हाथ में पैसा देने के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप दैट शी हैज टेकन। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर में कमी किए जाने से आम व्यक्ति को खुश होना चाहिए। We believe that this could be a budget which is a step towards further empowering India, the individuals and the industry. And the final point, which was a theme which went across, was the culture of trust and the appreciation of wealth creation. Both these are very significant. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। I didn't see any concrete idea, any strategic idea that would help our youngsters get jobs. It describes the government quite well. Lot of repetition, lot of rambling, nothing concrete. So it's a mindset of the government. The country is of course suffering. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे 2020-21 में विकास को बल मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजट वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्व की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच वित्त मंत्री ने बहुत ही परिपक्व बजट पेश किया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी तरक्की करने वाला यह बजट है और सबसे बड़ा एक फायदा हुआ है इनकम टैक्स के रेट घटे और डिपॉजिटर जो बैंक में पैसे रखता है वो अब 5 लाख तक का कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में घोषित नए कर सुधार प्रगतिशील, साहसी और अभूतपूर्व हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का बड़ा हिस्सा बेचने के बजट प्रस्ताव की आलोचना की है। देश के विभिन्न वर्गों विशेषकर आम लोगों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। जम्मू निवासी अभिनव गुप्ता ने कहा कि इस बजट ने समाज के सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा है। सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है इसमें हर एक वर्ग को देखा। इस बार जो 5 लाख तक इन्होंने स्लैब बना दी है तो मुझे लगता है आज के टाइम पे जो भी घर चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बजट बहुत ही फायदेमंद होगा। ओवरऑल जो ये बजट है मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के आकाश बचरूवाल ने इस बजट को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। 15 लाख करोड़ का बजट इन्होंने कृषि को लेकर के बनाया है और 20 लाख किसानों को ये सोलर पंप प्रोवाइड करने के लिए बोले हैं तो इससे किसानों का लाभ होगा। अरुण ने बताया कि ये बजट नई कंपनियों के लिए अनुकूल है। नई कंपनी के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किए हैं ये बहुत अच्छा किया है ताकि नए जो उद्यमी हैं वो इम्प्रूव कर सकें और ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। वो इस मामले में मृत्युदंड की सजा पाए 4 दोषियों में है। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक अन्य दोषी अक्षय ठाकुर ने भी आज दया याचिका दाखिल की। अक्षय ठाकुर और 3 अन्य दोषियों को आज फांसी की सजा दी जानी थी लेकिन निचली अदालत ने अनिश्चितकाल के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी। इस मामले के 4 दोषियों की फांसी की नई तारीख के लिए तिहाड़ जेल अधिकारी दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अरे वो NFHS वाले आए थे, उनका 5वां चरण चल रहा है ना, कह रहे थे कुछ सवाल पूछने, मैंने बोला कल आना। तुम भी ना। अरे जरा रुकिए। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां चरण देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। आपके जवाब और आपके स्वास्थ्य की जांच में सहयोग तो मदद करते हैं सरकार को स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम बनाने में जिससे आपका परिवार खुशहाल और आप स्वस्थ रहें। NFHS में भाग लेना है समझदारी, क्योंकि ये है हमारे बेहतर कल की तैयारी। ये आकाशवाणी है। चीन के कोरोना वायरस ग्रस्त वुहान शहर से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का दूसरा विमान वहां पहुंच गया है। लोग हवाई अड्डे पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज सुबह 324 यात्रियों को लेकर पहली उड़ान नई दिल्ली पहुंची थी। दूसरी उड़ान में भी डॉक्टरों की वही टीम है जो पहली उड़ान में थी, लेकिन चालक दल अलग है। इस बीच वुहान से आए सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए 2 पृथक केंद्रों में रखा गया है। एक केंद्र गुरुग्राम के मानेसर में और दूसरा दिल्ली के छावला में है। मेलबर्न में अमेरिका की सोफिया कैनिन ने स्पेन की गर्बाइन मुगुरुजा को 4-6, 6-2, 6-2 से हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को इस बार कैनिन के रूप में नई चैंपियन मिल गई। 14वीं वरीयता प्राप्त कैनिन ने यह मुकाबला 2 घंटे 3 मिनट में जीता और अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आकांक्षी भारत, समावेशी आर्थिक विकास और संरक्षित समाज पर आधारित केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में व्यक्तिगत आय कर स्लैब सरल बनाए गए। 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। आयकर से संबंधित मुकदमों में कमी लाने के लिए विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्धता और मजबूत हुई है। देशभर में कॉरपोरेट सेक्टर और आम लोगों ने बजट प्रस्तावों की सराहना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के एक दोषी विनय की दया याचिका खारिज की और चीन में कोरोना वायरस से ग्रस्त वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का दूसरा विशेष विमान वुहान पहुंचा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।